अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट, आज इसका व्लॉग बनाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लोग हम इकट्ठे होके आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो सबसे सोचा पहले भी मैं व्लॉग बना चुका हूँ लेकिन आज काफ़ी अर्से बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि ये जो रेस्टोरेंट है इसकी खासियत क्या है। ये रेस्टोरेंट जो है ना विलेज जो कल्चर है उसके ऊपर बेस करता है और यहाँ पे आपको खाना खाते हुए ऐसे लगेगा जैसे आप किसी विलेज में बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा है, इन्होंने एनवायरनमेंट रखा हुआ बहुत अच्छा थीम है इनका पीछे सारा कुछ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो मुझे अभी मैं मुंह धो के आया हूँ क्योंकि रास्ते में बाइक पे आया था मैं, काफ़ी लेट आया, सारे पहले आ चुके हुए थे तो मैं बाइक पर आया तो डस्ट वगैरह काफ़ी बढ़ गई हुई थी, तो इसलिए रिसेंटली अभी मैं अपना मुँह धो के आया हूँ। तो ये जी कुछ यहाँ से अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जाता हूँ दूसरी साइड पे फ्रंट कैमरे से तो मैं व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, जो मेन इसका मेन कैमरा उससे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीन किस तरह का। तो अभी मुंह वगैरह मैंने जो है ना अपना धो लिया हुआ है, तो अभी दूसरे कैमरे से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। देसी 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 लग रहा है गांव वाला, बिल्कुल ऐसा ही माहौल है, फैमिली रेस्टोरेंट है। आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? हाँ तो भाई कोई बात नहीं, इधर देखें जरा, बिस्मिल्लाह करें वो। ये देखें फैसल भर लो सारी तेरे है कि भैया हूँ अपने लोग। ये शहरी भाई जो हमें खाना खिला रहे हैं, थैंक यू सो मच ट्रीट का, इतनी दूर से हमें इनवाइट किया और इतनी अच्छी जगह पे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में मैं मतलब भाग भाग के इनके साथ यहाँ पे मिला हूँ। तो ये शादी है बस इनका खाना पीना ही होता है हमेशा से, बंदा जेड़ा नाराज होएगा। तो ये जी दोस्त खा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया बना के, तो मैं भी थोड़ा सा खा रहा हूँ। ये धीर भाई रह गए, धीर भाई क्यों कैमरे के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। धीर भाई कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? और अब मुझे शाह जी कह रहे हैं कि छोड़ दो क्योंकि ये ना हो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, तो अब मेरी बारी तो मैं भी कुछ खा पी लें। सो फाइनली यहाँ से जी निकलने लगे हैं, पीछे आप सारा रेस्टोरेंट देख सकते होंगे, इतना ज़्यादा प्यारा, मैं मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से निकलने को, इतनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे सजावट वगैरह की हुई है, देखें पौधे शोधे। तो अब जाना तो पड़ेगा, सारी सी बात है, अब निकलना यहाँ से, तो ये एंट्रेंस है यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो दोस्त वगैरह सेल्फियाँ बना रहे हैं तो उनकी तरफ जाते हैं जी। अदील तो ये था फ्रेंड्स एंड फैमिली व्लॉग आज का, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आप जीटी रोड पे ट्रैवल करें जब भी लाहौर से गुजरांवाला इस्लामाबाद की तरफ, तो इस पिंड रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा, यहाँ का टेस्ट बहुत आला, यहाँ का फूड बहुत आला, यहाँ का स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया हुआ बिल्कुल बहुत आला, क्योंकि जो आज कल जो चीज़ें गाँव में भी नहीं मिलती वो भी यहाँ पर इन्होंने मैनेज की हुई हैं, जो टोके वगैरह होते हैं चारा काटने के लिए, और गाँव की काफ़ी चीज़ें पौधे भी वो लगाए हुए हैं जो गांव में ज़्यादातर फसलें होती हैं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, बताइएगा,
और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। पिंड रेस्टोरेंट काला शकाकू सर्च कीजिएगा गूगल मैप पे तो ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मेरे दोस्त पीछे खड़े हैं, अभी यहाँ से घरों को जाना फाइनली। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।